गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को, जिसके हमने 7 रूल्स डिस्कस कर लिए थे, एज वेल नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 8 से, कंटिन्यू करेंगे वापस से हमारे रूल्स को। रूल नंबर 8 देखिएगा, आपके पास क्या होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए, दैट इज इफ एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द साइक्लिक रिंग देन इट इज नेम्ड एज कार्बेल्डिहाइड। बहुत सिंपल सा ये रूल आपके पास रहेगा कि अगर हमारे पास किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर कोई भी साइक्लिक रिंग हमारे पास गिवन है, उस साइक्लिक रिंग पर अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसका हम नेम क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से क्या होगा हमारे पास में। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिया यहां पर आपके पास में, ये है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, यहां पर आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है। एज वी नो दैट कि सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप जो आपके पास होता है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका हम सफिक्स यूज करते हैं AL, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट हमारे पास एक न्यू रूल आता है, दैट इज कि अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप आपका साइक्लिक रिंग पर प्रेजेंट होता है तो उसका नेम एज अ सफिक्स के फॉर्म में यूज नहीं करते, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बेल्डिहाइड कहेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे तो वो फंक्शनल ग्रुप से ही होगी आपकी 1, 2, 3, 4 एंड 5। फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करने के बाद हमें इसको नंबरिंग करना होता है, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना होता है, तो इस तरह से आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिएगा रूल, सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, वो हमारे पास में नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आपके पास में, 5। लेकिन उससे पहले देखिएगा कि कंपाउंड आपका साइक्लो है, और साइक्लिक कंपाउंड जो होता है उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो आफ्टर द नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट नहीं है तो हम सबसे पहले डायरेक्टली स्टार्ट कैसे करेंगे, साइक्लो से। साइक्लो टोटल कितने कार्बन इसमें है, 5, तो 5 के लिए हम यूज करेंगे पेंट, साइक्लो पेंट। सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, अनसैचुरेट है। सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यूज करेंगे 2-ईन, और 1 पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पे अल यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा ये आपके पास में कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपका साइक्लिक रिंग पर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है देन इट इज नेम्ड एज कार्बेल्डिहाइड। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे, दैट इज रूल नंबर 9। ये क्या है आपका, देखिएगा, इफ इन पैरेंट चेन थ्री और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट considered in parent chain। Simply क्या कह दिया अपन ने, simply कहा कि जब भी हमारे पास में कोई parent chain given हो और उसमें 3 या इससे more time पर same functional group present होता है तो उसमें हम functional group के carbon को हम consider नहीं करेंगे carbon chain में। As well राइट दियर कॉमन नेम, एज वेल हम क्या करेंगे, उनका केवल कॉमन नेम यूज करेंगे। देखिएगा किस तरह से, एग्जाम्पल देखिएगा इसका। सबसे पहले हमारे पास यहां पे कार्बन चेन गिवन है CH2, CHO एंड CHO ग्रुप। चलिए
अगर आपने इस पैरेंट चेन को देखा बड़े ध्यान से तो आपको देखिए क्या दिखाई दिया। सबसे पहला पॉइंट हमें पिक करना है, थ्री या इससे मोर टाइम अगर आपके पास में सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो देखिए यहाँ पे सी एच ओ ग्रुप गिवन है एल्डिहाइड, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप गिवन है, यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप गिवन है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड हमें यहाँ पे गिवन है ये कंपाउंड इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे इस कंपाउंड में हमें थ्री या थ्री से मोर टाइम सेम फंक्शनल ग्रुप गिवन है। तो हमने क्या कहा, तो हमने कहा कि कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट कंसिडर्ड इन पैरेंट चेन। तो इसका जो कार्बन है या इसका जो कार्बन है या इसका जो कार्बन है इसको हम मेन पैरेंट चेन में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से सिंपली हमें समझ में आना चाहिए अब यहां से कि यहां पर अगर मैं इस कार्बन को और इस कार्बन को पैरेंट चेन में कंसिडर कर लेता हूं तो मेरा ये वाला कार्बन लेफ्ट रह जाएगा जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। अगर इन दोनों को सेलेक्ट करते तो ये रह जाएगा, इन दोनों करेंगे तो ये रह जाएगा। दैट मींस हम सिंपली कार्बन को सेलेक्ट करेंगे ही नहीं पैरेंट चेन में। तो अब आपके पास जो पैरेंट चेन बच गई बच्चों, वो आपके पास पैरेंट चेन बच गई है ये वाली, क्या बच गई है, जिसमें टोटल आपके थ्री कार्बन ही इंक्लूड हो रहे हैं। बिकॉज हमारे पास रूल है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप थ्री या उससे मोर टाइम एक ही कंपाउंड में आ रहा है तो उस कंपाउंड का या उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो होगा वो पैरेंट चेन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो नहीं किया अपन ने, अब करेंगे हम क्या, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग। नंबरिंग आपके कहीं से भी हो सकती है, बिकॉज चाहे इस तरफ से कीजिएगा चाहे इस तरफ से कीजिएगा सेम फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिलने वाला है। तो आपके पास हो गया नंबर वन, दिस इज नंबर टू एंड दिस वन नंबर थ्री हो गया आपके पास में, वन टू एंड थ्री। अब देखिए कि आपको वही सारे रूल्स यूज करने हैं जो आप करते हैं, बस आपको केवल दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि अगर ऐसा कंडीशन बनती है अपने पास में तो वहां पर हमारे पास में कार्बन एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप को कार्बन एटम्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे पैरेंट चेन में। एज वेल देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट दियर कॉमन नेम, एज वी नो दैट कि सी एच ओ को हम क्या बोलते हैं, कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बेल्डिहाइड। स्टार्ट करें इसकी नेमिंग। तो इसकी नेमिंग यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हो गया हमारे पास में, सबसे पहले देखिए वन टू थ्री, कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो थ्री को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रॉप, क्या कहेंगे, प्रॉप, क्या बोलेंगे, प्रॉप। और सैचुरेटेड ही आपके पास में है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन। ठीक है, अब वन पे एंड टू पे एंड थ्री पर, तीनों पे ही आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, वन टू थ्री ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये सिंपली इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, दैट इज प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा यहां पर कि अगर आपके पास में यहीं पे सेम सिचुएशन में अगर आपके पास में ऐसा होता, सी एच ओ ग्रुप है आपके पास, सी एच टू है, सी एच टू है, सी एच टू है, सी एच टू है एंड अगेन सी एच ओ है। इस वाले कंपाउंड में आप क्या देख पा रहे हैं कि इस वाले कंपाउंड में आपके पास में सी एच ओ ग्रुप एंड सी एच ओ ग्रुप केवल टू टाइम आ रहा है। जब टू टाइम आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। जब इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमारे पास में पैरेंट चेन में ये कार्बन कंसिडर होगा। ये तो कहा अपन ने कि इस बार हमारे पास में ये वाला कार्बन दोनों जो है ये भी आपके पैरेंट चेन में कंसिडर होने वाले हैं, बिकॉज यहां पे ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। ये रूल तब लगता है जब आपके पास में थ्री या इससे मोर सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसकी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से होगी, ऑब्वियसली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या वहां से भी हो सकती थी, एक ही बात है। सैचुरेटेड है, टोटल कितने कार्बन आपके पास में, सिक्स कार्बन हो गए, तो सिक्स को हम क्या लिखेंगे बच्चों, हेग्स, क्या लिखेंगे, हेग्स। और सैचुरेटेड इसका मतलब क्या लिखेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन के बाद देखिएगा क्या है आपका फर्स्ट पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन पे क्या है आपके पास में, डाई अल, यहां पे अल यूज करेंगे, सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप इसमें और इसमें डिफरेंस समझ सकें। जब सेम टाइप के थ्री फंक्शनल ग्रुप यहां प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में आप कार्बन जो होता है फंक्शनल ग्रुप का उसे आप कंसिडर नहीं करते हैं कार्बन चेन में, जबकि यहां पर जब आपके केवल टू टाइम ही प्रेजेंट है तो उसका कार्बन आपका पैरेंट चेन में कंसिडर होगा। एज वेल इस जगह पे हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे, लेकिन इस जगह पे हम इसका यूज करेंगे सफिक्स। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम मूव करते हैं रूल नंबर 10 पर। चलिए बच्चों हो गया स्क्रीनशॉट इसका फटाफट से, अब फटाफट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे जो क्या होने वाला आपके पास, देखिएगा।
रूल नंबर 8 और 9 यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रूल नंबर 10 पर। काफी इंपॉर्टेंट रूल आपके पास रहने वाला है, रूल नंबर 10। देखिए रूल नंबर 10 क्या होगा आपके पास में, इफ एनी पेरेंट चेन कंटेन टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले जो आपको दिया गया था वो क्या था आपके पास में, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो रूल नंबर आपका 9 था उसमें क्या कहा गया था कि जब आपके पास 3 और 3 से मोर सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, जबकि इस रूल में क्या कह रहे हैं, जब आपके पास 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, देन वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज मेन फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर एंड अदर वन इज कंसिडर्ड एज सब्सिट्यूएंट ऑल्सो ट्रीट एज सब्सिट्यूएंट्स। लिख दीजिएगा ऑल्सो की जगह पे आप एज वेल। जब हमने उसको सब्सिट्यूएंट ही कंसिडर किया है तो उसको हम ट्रीट भी कैसे करेंगे, सब्सिट्यूएंट की तरह करेंगे। देखिए रूल बड़ा सिंपल आपके पास में कि जब भी आपके पेरेंट चेन टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है तो उनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप को हम क्या मानेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसको ट्रीट करेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप। बट हम किसे मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे वो डिसाइड करता है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। कौन डिसाइड करता है, प्रायोरिटी ऑर्डर। ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं। देखिएगा प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपके पास होता है वो लिखिएगा फटाफट से। सबसे पहले हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ऑर्डर में। उसके बाद हमारे पास होता है बच्चों सल्फोनिक एसिड। कौन होगा, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद होता है हमारे पास एनहाइड्राइड। कौन होगा, एनहाइड्राइड। उसके बाद हमारे पास होता है बच्चों एस्टर। एस्टर के बाद हमारे पास जो होगा वो होता है आपका नाइट्राइल। और नाइट्राइल के बाद जो हमारे पास होता है बच्चों वो होता है आपका अमाइड, RC डबल बॉन्ड ओ NH2 ग्रुप। अमाइड के बाद हमारे पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर आता है वो आता है आपके पास कौन, वो हमारे पास आएगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद हमारे पास जो आता है दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप के बाद जो आएगा हमारे पास कौन होगा, कीटोन। और कीटोन के बाद हमारे पास ग्रुप होता है बच्चों एल्कोहल। एल्कोहल के बाद होगा हमारे पास में फिनॉल। फिनॉल के बाद हमारे पास जो ग्रुप होता है दैट इज थायोल ग्रुप होता है। देन हमारे पास होता है बच्चों अमीन्स। अमीन्स के बाद हमारे पास होता है बच्चों ईथर। तो ये हमारे पास में प्रायोरिटी ऑर्डर होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, जिनमें सबसे पहले प्रायोरिटी जिसे दी जा रही है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। देन हमारे पास होता है सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एस्टर, नाइट्राइल, अमाइड, आयोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, थायोल, अमीन्स एंड ईथर होगा हमारे पास में। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में लिया जाता है, मतलब इसे हम हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं फटाफट इसका एक, कि किस तरह से हम इस रूल को अप्लाई कर पाएंगे। तो एग्जांपल के फॉर्म में हमने यहां पे लिया है बच्चों, क्या लिया है, एक कंपाउंड ले रहे हैं, यहां पे डबल बॉन्ड ओ गिवन है आपको, यहां पे आपको NH2 गिवन है, यहां पे आपको डबल बॉन्ड गिवन है, और यहां पर आपके पास में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप गिवन है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, जो हमारे पास कौन सी हो रही है, ये वाली स्ट्रेट चेन बिल्कुल हमारे पास में, जो कि इस कार्बन को भी इंक्लूड करते हुए यहां पर आ रही है आपके पास। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जो कंपाउंड हमें यहाँ पे गिवन है उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हमें गिवन है। देखिएगा आर, आर के साथ सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप आपके पास कौन सा हो गया, एल्डिहाइड। आर R, C डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप हो गया हमारे पास में, कीटोन। कौन सा हो गया,
कीटोन ग्रुप हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास में आर एन एच टू कौन सा हो गया, अमीन ग्रुप हो गया है, कौन सा हो गया है, अमीन ग्रुप। तो टोटल हमारे पास में तीन तीन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब ये रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा कि टू और मोर अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कंपाउंड में होते हैं तो हम उसका नोमेनक्लेचर इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। टोटल इसके अंदर थ्री फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट है आपस में, तो यहां पे देखिएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन लिया जा रहा है तीनों में से। अब देखिएगा यहां कार्बोक्सिलिक है नहीं, सारा है नहीं आपके पास में, कौन आ रहा सीधा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन है, और उसके बाद में अमीन लास्ट में है। इसका मतलब एल्डिहाइड प्रायोरिटी ऑर्डर में इन तीनों में से सबसे ऊपर है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और इसको हम मानेंगे क्या सब्सिट्यूएंट, और इसे भी क्या मानेंगे सब्सिट्यूएंट। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सब्सिट्यूएंट को हम सबसे पहले राइट डाउन करते हैं अलोंग विद देयर पोजीशंस और विद प्रीफिक्स, ठीक है। देखिएगा यहां पर अब देखिए इजीली हम समझ सकते हैं, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले तो फंक्शन ग्रुप को लोवेस्ट, सॉरी फंक्शन ग्रुप को सबसे लोवेस्ट नंबर में देना होगा, तो फंक्शन ग्रुप ये है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, क्या हो गया आपके पास। अब आपके पास सब्सिट्यूएंट यहाँ पे दो प्रेजेंट थे, एक तो आपके पास कीटोन और एक आपके पास अमीन, जो कि ट्रीट कर रहे हैं उनको हम एज ए सब्सिट्यूएंट। तो देखिए थ्री नंबर जो आपके पास है उसपे कौन होगा आपके पास में अमीन ग्रुप, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, इसे लिखेंगे 3-amino। अमीन ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है अमीनो, जबकि कीटोन का होता है कीटो या ऑक्सो, किस पोजिशन पे, फिफ्थ पे लिखेंगे 5 आइदर कीटो और आइदर ऑक्सो, ठीक है। अब आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं वर्ड रूट में, आपके पास में 8 है, 8 को क्या लिखेंगे आप बच्चों ऑक्ट, सैचुरेट है या अनसैचुरेट है, अनसैचुरेट है, किस पोजीशन पे 6 पे, तो लिखेंगे ऑक्ट 6 इन। लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, अब ट्रीट करेंगे इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपके पास 1 है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है अल, तो लिखेंगे 6 इन के बाद 1 अल लिख देंगे, दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए एक एग्जांपल और पिक कर लेते हैं फटाफट से, आपके पास यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड OOH है। अब देखिए ये आपके पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई यहाँ पर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपके पास में यहाँ पर है, इसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर में देंगे नंबर 1, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ऑब्वियसली ये कार्बोक्सिलिक एसिड है R C डबल बॉन्ड OOH, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सबसे पहले प्रायोरिटी में नंबर देते हैं, तो ये आपका ट्रीट होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप। ये आपके पास में अल्कोहल है तो आपका ट्रीट होगा एज ए सब्सिट्यूएंट। क्या लिखेंगे बताओ फटाफट से देखिएगा, सबसे पहले सब्सिट्यूएंट को लिखेंगे 5 पर क्या है आपके पास में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और कि आपके पास में OH ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल होता है, इसका सफिक्स होता है ओल और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, सो यहां पे लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, और आपके पास टोटल कितने का बना रहे हैं 6, 6 को लिखेंगे क्या बच्चों हेग्स, अनसैचुरेट है, 3 पोजीशन पे लिखेंगे 3 इन, और 1 पे क्या है आपके पास में ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक का सफिक्स लिख देंगे यहां पर, तो ये नेम हो गया इस कंपाउंड का। चलिए फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। चलिए हो गया, अब हम फटाफट देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि इंक्लूड होंगे आपके रूल नंबर 8, 9 एंड 10 से। रूल नंबर 8, 9 एंड 10 को इंक्लूड करते हुए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं, वो हम देखते हैं फटाफट सॉल्व करते होंगे किस तरह से सॉल्व आपके पास होगा। वो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास ये रहा, सेकेंड एग्जाम्पल यहां पे हम आपको दे रहे हैं, ये आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल हो गया है, थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, फोर्थ एग्जाम्पल यहां पे ले रहे हैं अपन,
देखिए चलिए सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आपको OH गिवन है, कीटोन गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे टू डिफरेंट फंक्शन ग्रुप गिवन है, तो आपका रूल नंबर 10 यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेंगे जो कि आपकी स्ट्रेट चेन होने वाली है। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता आपका कीटोन, तो कीटोन को लोवेस्ट नंबर देने की ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, ठीक है बिल्कुल सही है। अब देखिए OH ग्रुप को ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट और इसको ट्रीट करेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो लिखेंगे 2 पर क्या है आपके पास में हाइड्रोक्सी, ठीक है। टोटल कितने कार्बन यहां पर आपके पास में 8, 8 को लिखेंगे क्या बच्चों ऑक्ट, अनसैचुरेटेड किस पोजीशन पे 6 पे लिखेंगे 6 इन, और 4 पोजीशन पे कीटोन है तो लिखेंगे 4 पे क्या लिखेंगे ओ एंड ई ऑन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यहां पर सेकंड देखिए CWH, CWH एंड CWH, इसका मतलब 3 फंक्शन ग्रुप सेम टाइम प्रेजेंट है, तो ये आपके कार्बन चेन में कंसिडर नहीं होगा, तो आपकी कार्बन चेन क्या बन जाएगी बच्चों, ये वाली बन जाएगी आपके पास, ठीक है। ये कार्बन चेन आपके पास में अगर बन गई है तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब देखिए ऐसा हमने इस तरह से नंबरिंग इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप को हम फर्स्ट एंड सेकंड पोजिशन दे पा रहे हैं, ठीक है, एक साथ, जबकि इधर से करते तो आपके पास में ये 1 2 3 4 5 पे जाता, दैट्स व्हाई हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट की है, ठीक है। इसके बाद देखिए टोटल कार्बन कितने आपके पास में 5 5, क्या लिखेंगे बच्चों पेंट, अनसैचुरेटेड किस पोजीशन पे 3 पे, तो 3 पे इन आपके पास में है। इसके बाद 1 पे 2 पे एंड 5 पे 1, 2 एंड 5, इस पे क्या प्रेजेंट है आपका ट्राई, और बच्चों इसका क्या लिखेंगे कॉमन नेम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे ओइक एसिड नहीं लिखेंगे बिकॉज ये रूल है आपका कि 3 एंड मोर टाइम अगर आपका ये प्रेजेंट होता है तो इसको हम कॉमन नेम ही राइट डाउन करते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल को आप देख पा रहे हैं कि इसमें साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको लिखेंगे कार्बेनिलहाइड, ठीक है। कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है नहीं, आपका नंबरिंग करेंगे पहले नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, लिखेंगे क्या साइक्लो हेक्स, थर्ड पोजीशन पे आपके पास क्या है वाई एंड ई आइन, और लिखेंगे 1 पर क्या है कार्बेनिलहाइड, कार्बेनिलहाइड लिख दिया अपन ने। नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ है, फोर्थ को देखिएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ले लिए यहां पर, OH हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, NO2 नाइट्रो है, और ये हमारे पास में अमाइड है, अमाइड को हम प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले लेते हैं, दैट्स वाई वो हो गया फंक्शन ग्रुप, और ये ट्रीट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या नाम लिखेंगे इसका फटाफट देखिएगा। सबसे पहले 5 पर क्या आपके पास में हाइड्रोक्सी है, जबकि 2 पे क्या आपके पास में नाइट्रो है, तो पहले कौन आएगा आपका H, तो लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो। टोटल कितने कार्बन आपके पास 6, 6 को लिखेंगे क्या बच्चों हेक्स, अनसैचुरेटेड किस पोजीशन पे 3 पे क्या लिखेंगे 3 इन, और 1 पे क्या आपके पास में अमाइड ग्रुप है, तो अमाइड का फंक्शनल सफिक्स क्या होता है आपके पास में अमाइड ही होता है, तो 1 पे लिख देंगे अपन अमाइड ग्रुप। तो ये हमारे पास में टोटल 4 एग्जांपल्स देखे हमने, इंक्लूड कर रहे हैं जो रूल नंबर 8 9 एंड 10 को, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। अब एक एग्जांपल बच्चों मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं जिसे आपको सॉल्व करना है, और यूट्यूब पर आपको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर डालना है। चलिए एग्जांपल आपके पास में रहा ये रहा बोर्ड पर, इसका हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है वो आपको डालना है यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्या होने वाला आपके पास में, डबल बोर्ड यहां प्रेजेंट है, यहां पर आपके पास में ग्रुप है ओ एच। अब ये कंपाउंड आपको यहां पे मैंने गिवन है, इस कंपाउंड का आपको आंसर या IUPAC नेम जो है वो सॉल्व करना है, और आपको इसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे डालना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल नंबर 11 12 को हम कंप्लीट करेंगे, साथ में हमारा नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच।